गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर फाइन। बच्चों, इन आवर लास्ट क्लास वी कम्प्लीटेड 3E 3A में जो 10 क्वेश्चंस थे सब्ट्रैक्ट वाले, वो मैंने आपको दिए थे। आई होप आप सभी ने वो करे होंगे। ओके, आपने नहीं करे हैं तो प्लीज़ उन्हें पहले आप कर लीजिएगा। उसके अंदर सब्ट्रैक्ट वाले सम्स थे, बहुत ईजी थे वो। उनमें कुछ विदाउट बोरो भी थे और कुछ विद बोरो भी थे। तो मैंने आपको बिफोर देन दैट आपको मैंने दोनों ही केसेस सॉल्व करने बता दिए थे, कैसे हम बोरो वाले सम्स को सॉल्व कर सकते हैं और कैसे विदाउट बोरो वाले सम्स को सॉल्व कर सकते हैं। आज के हम अपने इस क्लास में सेल्फ प्रैक्टिस 3F का क्वेश्चन नंबर 1 to 5 सॉल्व करेंगे और नेक्स्ट पार्ट में हम 6 to 10 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके, 1 to 5 क्वेश्चन का जो पहला हमारा क्वेश्चन है, दैट इज़ द प्राइस ऑफ अ बाइक। एक बाइक है, उसकी प्राइस है 45,825 एंड ऑफ अ कार इज 397,899। विच ऑफ द टू कॉस्ट मोर एंड बाय हाउ मच? आपको बताना है इन दोनों में से किसका कॉस्ट ज़्यादा है और कितना ज़्यादा है। ओके, लास्ट में लिखा हुआ भी हाउ मच, कितना ज़्यादा है। तो देखेंगे आप, बाइक की कॉस्ट है 45,000, तो ये थाउजेंड में है और ये लाख में है, तो डेफिनेटली किसकी कॉस्ट ज़्यादा है? कार की कॉस्ट ज़्यादा है। तो आपको बताना है कितना ज़्यादा है। तो मैंने इस क्वेश्चन को विद द स्टेटमेंट सॉल्व कर रखा है। तो प्राइस ऑफ बाइक इज 45,825, प्राइस ऑफ अ कार इज 397,899, प्राइस ऑफ अ कार इज मोर देन बाइक्स। जो है किसकी कार की जो कॉस्ट है वो किससे ज़्यादा है? बाइक से ज़्यादा है। ओके, नाउ हम क्या करेंगे, इनके जो कितना है वो ज़्यादा मैंने यहाँ पर लिख रखा है, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 397,899 में से व्हेन वी विल सब्ट्रैक्ट 45,825, तो आवर आंसर, जैसे कि 9 में से 5 जाएगा 4, 9 में से 2 जाएगा 7, 8 में से 8 जाएगा 0, 7 में से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 बचेगा, 9 में से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे 5 बचेगा एंड 3 का 3 सेम एज आ जाएगा। इनको हमें सब्ट्रैक्ट करना है। क्या करना है बच्चों? सब्ट्रैक्ट करना है। ओके, तो जो कार की प्राइस है वो बाइक की प्राइस से 352,070 रुपीज़ जो है वो ज़्यादा है। ओके, तो आपको इस क्वेश्चन को सेम एज अपने नोटबुक में सॉल्व करना है। ना सेकंड क्वेश्चन में आपको लिखा है, हाउ मच इज़ 88,720 इज़ ग्रेटर देन 79,231? 79,231 से कितना बड़ा है, कितना ग्रेटर है? तो उसको हमें सॉल्व करना है। तो सिंपली हम क्या करेंगे बच्चों, 88,720 में से 79,231 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, आवर आंसर इज 9,489. ओके, दिस इज द आंसर ऑफ सेकंड क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड, द सम ऑफ टू नंबर इज 60,401। दो नंबर्स का सम है 60,401। इफ द वन नंबर इज, हमें वन नंबर गिवन है तो दूसरा नंबर बताना है सिंपली। तो दूसरा नंबर हम, अदर नंबर इज इक्वल टू 60,401 माइनस 58,723। तो मैंने इसको भी सॉल्व कर रखा है। सम ऑफ टू नंबर गिवन है, वन नंबर हमें गिवन है, अदर नंबर इज इक्वल टू जो हमारा सम ऑफ नंबर है उसमें से जो वन नंबर है उसको हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारा आंसर फाइंड आउट हो जाएगा। 60,401 इज द सम ऑफ टू नंबर एंड वन नंबर इज 58,753। जब हम इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आवर आंसर विल कम 1,666। इट मीन्स अदर नंबर इज इक्वल टू 1,666। तो सेम एज आप अपने बुक में राइट डाउन कर लेंगे। ओके, एंड नाउ क्वेश्चन नंबर फोर, रमेश डिपॉजिट रुपीज 28,560 इन इज सेविंग बैंक लेटर ही विड्रो। रमेश क्या करता है, 28,560 अपने बैंक में सबमिट करता है, उसके बाद वो उसमें से 10,890
₹3 निकाल लेता है तो आपको बताना है कि उसके अकाउंट में कितना अमाउंट बचा होगा। तो सिंपली हम क्या करेंगे, उसके अकाउंट में जो टोटल सेविंग है उसकी, उस सेविंग में से उसने जितना पैसा विड्रॉ करा है उसे हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो उसकी टोटल सेविंग कितनी थी, 28,560, उसमें से उसने 10,893 विड्रॉ कर रहे हैं। ओके, ये उसकी सेविंग थी एंड ये विड्रॉ है। तो रिमेनिंग जो अमाउंट है उसका 17,667 रुपीज़। तो मैंने एक स्टेटमेंट भी लिख रखी है, नंबर ऑफ मनी लेफ्ट इन अकाउंट बचा होगा 17,667 रुपीज़। ऐसा ही क्वेश्चन नंबर 5 है, राजा पेंट 64,380 ट्रीज इन अ ईयर। एक राजा है वो प्लांटेड करता है 64,382 ट्री इन अ ईयर, एक साल के अंदर 64,382 ट्रीज वो लगाता है। नेक्स्ट ईयर द नंबर ऑफ प्लांट इज इंक्रीज 272,468, हाउ मैनी न्यू प्लांट वर एडेड इन द ईयर्स, आपको बताना है। तो सिंपली इसके अंदर हम क्या करेंगे, राजा प्लांटेड ट्री 64,382, नेक्स्ट ईयर नंबर ऑफ प्लांट इंक्रीज हो जाता है 72,468। तो कितने प्लांट इंक्रीज हुए हैं उनकी क्वांटिटी हमें फाइंड आउट करनी है। तो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट ईयर वाले में इंक्रीज हुए तो उसमें से लास्ट ईयर वाले का डेटा हम माइनस कर देंगे। ओके, नंबर ऑफ प्लांट एडिड इन नेक्स्ट ईयर जो इंक्रीज हुए हैं वो कितने इंक्रीज हुए हैं, तो दैट वाज 8,086। इसमें हम क्या करेंगे, जो हमारा सेकंड ईयर का डेटा है उसमें से फर्स्ट ईयर को डेटा को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हमारा जो भी डिफरेंस होगा वो हमारा फाइंड आउट हो जाएगा। तो हमारा डिफरेंस कितना है, 8,086। ओके, तो आप इन सभी क्वेश्चंस को एक एक करके वीडियो को पॉज करके आप अपने नोटबुक में ज़रूर राइट डाउन कर लें। ओके, आज का जो आपका होमवर्क है उसमें क्वेश्चन नंबर 1-5 एक्सरसाइज 3F, ओके, सेल्फ प्रैक्टिस 3F का आपको 1-5 जो अपने नोटबुक में सॉल्व करना है। ओके, डोंट फॉरगेट टू डू होमवर्क। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।